पाकिस्तान के क्रिकेट विश्व कप विजेता कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त जेल में है और साथ ही उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दंगे और विदेशी फंडिंग के आधार पर पूरे पाकिस्तान में बैन होने के कगार पर है। अब इस बीच क्रिकेट की दुनिया का बड़ा सितारा और पाकिस्तान की राजनीति में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने वाले इमरान खान अब जेल की दीवारों से हटकर खुद के लिए एक अलग पिच तैयार करने की जुगत में जुटे हुए हैं, जिसमें इमरान खान आगे चलकर विश्व विद्यालय के चांसलर के रूप में दिखाई दे सकते हैं। दरअसल इमरान खान के सलाहकार सैयद जुल्फी बुखारी ने ये ऐलान किया है कि आने वाले समय में पूर्व प्रधानमंत्री ऑक्सफोर्ड जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बन सकते हैं, पर इसके लिए पहली शर्त है चुनाव जीतना, जहां इमरान के सामने एक मजबूत दावेदार के रूप में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और बोरिस जॉनसन भी सामने है। साथ ही बुखारी ने यह भी दावा किया है कि अगर इमरान खान ये चुनाव जीत जाते हैं तो फिर ऐसे में ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के लिए गर्व की बात होगी, क्योंकि अगर वह चांसलर बनते हैं तो वे एशियाई मूल के पहले व्यक्ति होंगे। वैसे इमरान खान के लिए इस मुकाबले में हिस्सा लेना वोटिंग सिस्टम में एक हालिया संशोधन के बाद संभव हुआ, जिसके अनुसार यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और स्टाफ के मौजूदा और पूर्व सदस्य अब अपना वोट ऑनलाइन दे सकेंगे। इस प्रक्रिया को कन्वोकेशन कहते हैं। इससे पहले उम्मीदवारों और वोटरों के लिए कन्वोकेशन में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होना जरूरी हुआ करता था। पूर्व में इमरान खान ने 1972 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज में दाखिला लिया और 1975 में राजनीति दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री ली। इस दौरान उन्होंने क्रिकेट के मैदान में यूनिवर्सिटी के लिए कई पुरस्कार भी जीते। राजनीति और क्रिकेट में प्रसिद्धि हासिल करने के बाद इमरान अब जेल में है, लेकिन मौजूदा वक्त में कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि अगर वो ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान सरकार के लिए इमरान पर केस चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस परिस्थिति में पाकिस्तान सरकार का इमरान के खिलाफ कोई भी कदम ब्रिटेन विरोधी माना जाएगा, जिसका खामियाजा पाकिस्तान सरकार को कूटनीतिक स्तर पर भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही पाकिस्तान सरकार से उलट इमरान खान के लिए एक चुनौती यह भी हो सकती है कि ऑक्सफोर्ड के नियम कानून क्या इस बात की इजाजत देते हैं कि कोई सजायाफ्ता शख्स चांसलर बन सकता है, जिसमें यह एक अलग विषय है कि सजा सही है या गलत है।